मोहब्बत की जुबान, हम बोले आजादी की जुबान। और उनका एक बड़ा मुझ पे वो था कंट्रोल भी, जहाँ कहना बैठ जाओ वहीं बैठ गए, वहां से उठना नहीं, चाहे मैं कितनी भी नींद आई हो कुछ हो, मैंने नहीं वहां से उठना। उन्होंने कहना कि अच्छा जाओ तुम थक गई होगी तो उधर अंदर बच्चे हैं, जाओ चली जाओ, फिर मैंने उठ के जाना। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। अब कलकत्ता चले गए, बस उसके बाद लाइफ बदल गई। मौसीकी सीखने का कह दिया कि सीखना है, माँ ने भी बड़े प्यार से कहा कि बेटा जब तक अच्छे नहीं बनोगे जिंदगी कैसे अच्छी होगी, अब वो आपके बाप बहुत हो गए हैं, अब हमारा कोई भी नहीं, अब जो बीबी जी कह रही हैं उसी तरह करना है, यही जिंदगी, अल्लाह ने तुम्हें आवाज़ अच्छी दी है, अब ये मैं बैठी सुन रही, कुछ पता नहीं क्या अम्मा कह रही है कि अब क्या होना है, तो क्या जिंदगी का चेंज आना है। अच्छा जी बस बैठे चुप करके सुन, मैं ज़्यादा बोला भी नहीं करती थी, बहुत चुप रहती थी। फिर बस चले गए, तुसी एना अदब करना है, जो ये कहें इनकी बात माननी है, जैसे मेरी बात मानते, तंग नहीं करना, अब तुम जा रही हो इनके साथ, जैसे ये कहें वो ही करना है। इतनी ताकीदें करके भेजी कि वो फिर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि कोई बात ना कर सकूँ। माँ ने इतना समझा के भेजा था कि इनको नाराज नहीं होने देना, इनको तंग नहीं करना, ये बड़ा मसरूफ हैं, तो हम तुम्हारी खातिर ये सब कुछ करेंगी। और उनका एक बड़ा मुझ पे वो था कंट्रोल भी, जहाँ कहना बैठ जाओ वहीं बैठ गए, वहाँ से उठना नहीं, चाहे मैं कितनी भी नींद आई हो कुछ हो, मैंने नहीं वहाँ से उठना। उन्होंने कहना कि अच्छा जाओ तुम थक गई होगी तो उधर अंदर बच्चे हैं, जाओ चली जाओ, फिर मैंने उठ के जाना। तो ये सारी चीजें फिर अब याद आती हैं कि वो मेहनत तो वो सब कुछ। ये तो खान साहब आशिक अली खान साहब जो थे वो क्योंकि वो खुद उनकी औलाद नहीं थी तो शायद उनकी थोड़ी सी सख्त तबीयत थी और वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डिमांडिंग किस्म के उस्ताद थे, ये मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत मुझे इस मुताले ने ये आप सुन। आपके साथ कैसे थे वो? बस उन्होंने बड़े मुझे प्यार से ही सिखाया, सच्ची बात है यही है कि खैर जिस वक्त बच्चा तंग करता है तो वो भी बड़ी कोफ्त होती है सिखाने वाले को, तो वो फिर काफी, मैं भी किसी वक्त जरा जरा बड़ी हुई ना तो मैं भी कुछ तंग करती थी कि बस कर तंग करांगी तो शायद छोड़ देंगे, जान छाड़ देंगे, तो वो फिर छोटी सी छड़ी भी पतली सी रखी होती थी, वो भी ये सुना ये हाथ पे मारते थे, फिर वो मार के उनको दुख भी होता था, फिर लेकिन मजबूरी थी, एक बात जहन में बिठानी ही, तो वो ये अगर ऐसे नहीं करेंगे तो ये तो याद ही नहीं होगी तो खपते रहेंगे। माँ की बात याद आ गई कि जो ये कहेंगे वो तुमने करना है और वो इनके नक्शों कदम पे चलना है और इसी तरह बनना है, इससे तो तुम्हें फिर तुम्हारा भी नाम होगा, जैसे बीबी जी का नाम है इसी तरह तुम्हारा भी नाम होगा। फिर आप जब एक दफा लाहौर आ गए, तकसीम हो गई जी, आपने पलट के देखा अमृतसर की तरफ तो वो एक और मुल्क बन चुका था, बिल्कुल कलकत्ते की तरफ पलट के देखा तो वो एक और मुल्क बन चुका, कुछ और बन चुका। तो क्या आपने महसूस किया लाहौर में बैठ के जब आपको अंदाजा होना शुरू हुआ कि हम वापस नहीं जा सकते? बहुत सख्त तकलीफ सबको, फैमिली को, माँ मेरी बहन सब बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना सड़क पे खड़े हैं, तो इस तरह से लाइफ हो गई। और जो सोचा था कि भी इतना सीखा है तो ये सारा हिंदुस्तान को सुनाना है, ये गाना भी गया और सारा कुछ ही खत्म हो गया, और सुनने वाले भी आ गए, सुनने वाले भी वो स्टेट सब खत्म हो गई, ये क्या जिंदगी का पहलू चेंज हो गया। बस इस तरह से परेशानी में कुछ 2-3 साल हम लोगों के गुजरे। मेरी तरह पिघलता रहा